लड़कों के साथ गलत आदमी मत बोलो। हाँ Hey, what's up everybody? This is Nagu Sagar. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और कॉलेज में कुछ जाना है क्योंकि मैं कुछ डॉक्यूमेंट ना सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट नहीं एक्चुअली कलेक्ट करने हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। जो कॉलेज है मेरा वो गाजियाबाद में पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दूर है आई नो। तो वहाँ पर जाते हैं और इसको हाईवे पर टेस्ट करते ही कैसा फील आता है इसे चलाने में। तरुण लटवाल को पिक कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा कॉलेज। आंटी आई है। आंटी क्या कह रहे हैं? थैंक यू आंटी, थैंक यू। हेलो अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। चलो आते हैं। तो मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या सीन कह रहे हैं, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। ये बंदा बोल रहा है कि यार मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ। अरे लाइटिंग नहीं आ रही, मेरा फेस से कैसा लग रहा है भाई? उजाला हो रहा, धूप निकल रही है। अच्छी गाड़ी जल जाएगी भाई, बेइज्जती ना करो। अब इधर वाली तो नहीं जल रही, वो दिखाना है मेरे को। हाँ ये वाली पता नहीं क्या फर्स्ट डे जली थी, उसके बाद जली नहीं है। तो मैं आज जाऊंगा इसको, अभी मतलब पहले हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ पे जाएंगे और इस लाइट को ठीक करवाएंगे। यार शायद चेंज हो गई है। इस रोड पे आते ही ना अपने कॉलेज की थोड़ी सी यादें ताजा होगी। वैसे तो यहाँ पे मैं सोनू घर जाने के लिए मैं ये रोड लेना पड़ता है, लेकिन यार दिन में स्पेशल अपनी गाड़ी लेके आना ये बहुत कम चांस मिलते हैं ऐसे। तो भाई आज तो मतलब मज़ा ही आ गया, और अपनी गाड़ी को लेके आने में और ज़्यादा मज़ा आया। वैसे जिस दिन मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी उस दिन मैं सोनू को छोड़ने से घर पर भी गया था, व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन उस टाइम पर फर्स्ट टाइम था तो गाड़ी को इन्जॉय कर रहा था मैं, मज़ा आया था। और यार ये रोड पे ना मतलब अब इसकी एवरेज निकालेंगे। अभी जो एवरेज शो हो रही है वो 13.3 की हो रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में मैं इसकी एवरेज को एटलीस्ट कम से कम 14 तो ले जाऊँगा। 14 तो इजी हो जाएगी है ना हाईवे में, तो इतना आना चाहिए। हाँ 14-15, लेकिन बेबी इंजन के हिसाब से तो भाई सही है। पहली दूसरी सर्विस के बाद जाके इसकी असली कैपेसिटी समझ में आएगी। तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि मतलब मेरी ना गाड़ी मतलब पावरफुल नहीं है, इस वजह से मैं स्लो चलाता हूँ, लेकिन आज मैंने देख लिया आज तो मेरे पास पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल मेरी गाड़ी जो की जो स्पीड है वो आप देख सकते हो सिर्फ 68 है। तो यार जहाँ पे मतलब मैं इजीली 100 क्रूज कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल यार मतलब मन ही नहीं करता। मैं मतलब बहुत ज़्यादा काम चलाना पसंद करता हूँ अपनी कार को, और इससे मेरी गाड़ी की एवरेज भी अच्छी आती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, और इंजन पे जोर भी नहीं पड़ता, तो काफ़ी ज़्यादा फायदे हो जाते हैं इस चीज़ के। तो मज़ा आता है इन चीज़ों में। और अभी फ़िलहाल तो ये है कि मेरा कॉलेज यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और रह रहा होगा, 10 तो नहीं 8 किलोमीटर मान सकते हैं रह गया होगा। तो बस वैसे मेरा कॉलेज यार बहुत दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर पड़ जाता होगा मेरा कॉलेज मेरे घर से। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज, और यार कॉलेज की मतलब कहते हैं ना बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। मेरा यार फेयरवेल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं पास आउट हुआ था 2020 के अंदर, तो उसमें यार नहीं हो पाया, वहाँ पे उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा था। लेकिन चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो एक बार कॉलेज भी के चक्कर पूरे लगा ही लेंगे इस बहाने। फाइनली गाइस कॉलेज के अंदर एंट्री हो चुकी है, अब हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे खड़ी है गाड़ी, तरुण यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक्स ले रहा है, और जो मेरा काम था वो हो गया फाइनली। मैंने अपने मार्कशीट थी वो कलेक्ट करनी थी, क्योंकि मेरे जो आपको पता है 2020 में पास आउट हुआ था, वहाँ पे मार्कशीट वगैरह मेरे को लेट यहाँ पे आई थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और लेट हो गया, आलस कर रहा था कि इतना दूर कौन जाए। लेकिन यहाँ आया तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को पहचान लिया, इवन मेरे को यहाँ की फैकल्टीज़ ने पहचान लिया, सब ने मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पर आके मज़ा आया, ऐसा लगा मतलब ये मुझसे कह रहा कि मतलब मेरे ना मैम के जाते पैर छू रहे थे, कह रहे थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं हो गया, मैंने प्रोफेशनलिज्म जो है बाहर में रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। अब यहाँ पे काम हो चुका है पूरा, ये थोड़े से सिनेमैटिक्स निकालेगा, देन उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे घर की ओर।
का सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी जो है तरुण चला रहा है, क्योंकि तरुण ने कहा कि यार उसको एक वीडियो का शॉट भी लेना था और ऊपर से एक्सपीरियंस भी करना चाहता था कि गाड़ी कैसा है। तो अगर तरुण से एक्सपीरियंस पूछा जाए तो तरुण क्या क्या फील आया तेरे को कि मतलब किस चीज़ में तेरे को बेस्ट लग रही चलाने में? अभी तो जस्ट गाड़ी चलाई है तो क्लच और ब्रेक दोनों भाई बहुत ऑसम रिस्पॉन्स दे रही है गाड़ी, तो अभी तो इस चीज़ के मामले में बहुत अच्छा लगा है। अब धीरे धीरे करके ना हाईवे पहुँचेंगे तो हम देखते हैं कि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा आता है और बाकी चीज़ें कैसी हमको फील देती हैं। फाइनली गाइस हम लोग रुक गए जैन सिकंजी पे। जैन सिकंजी यहाँ पियेंगे सिकंजी और तरुण को एक छुटकू सा पार्टी मिलेगी यहाँ पे, छोटी सी बड़ी पार्टी बाद में। हाँ वो मतलब वो प्लान हो रही है, देखते हैं। मिलकर इतना दूर आए हैं जैन सिकंजी पे, यहाँ बार बार चक्कर तो लगता नहीं है, कर ही लेते हैं, बोला कर या पी लेते हैं। शॉप टैंग वाला जैन सिकंजी मीठा काम। हाँ जिम जा रहे हैं यार। तो जिम जा रहा है यहाँ देख के कौन कह सकता है बस चल रही है मेहनत धीरे धीरे, ऑन प्रोग्रेस, रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। भैया अभी एक लेडी थी उनको तो बिल्कुल ऊपर टॉप अप करके दिया है, यहाँ तक भी निकलने को हो रहा है। जब हमारी बारी आई तो देखने ऐसा लगे कि घूट पी लिया हो लड़कों के साथ, गलत आदमी मत बोलो। हाँ सही है बेटा, और आवाज करो, बिना वजह हॉर्न मारते जाओ, वैसे भी साउंड पोल्यूशन कम है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सिकंजी हमने पी लिया है और अब हम जा रहे हैं हुंडई के शोरूम, क्योंकि यार ये जो लाइट है ना मेरी जल नहीं रही है, ये पता नहीं एक ही बार जली थी जैसे ये जलते ना ऐसे ऐसे, ये नहीं जल रही है, ये शायद ख़राब हो गई, तो ये दिखाना है। मैंने बोला था ना कि इसकी एवरेज एटलीस्ट मैं 14 लेके आऊँगा, इसकी एवरेज मैं 14.4 की लेके आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे 12 पुला पे, बस यहाँ से घर का डिस्टेंस थोड़ा सा पास है, लेकिन अभी हम घर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हुंडई की शोरूम, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट ठीक कराने के लिए। और बस अब इन्जॉय करते रहो ड्राइव को और शायद ये वहाँ तक 14.5 हो जाए। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हुंडई की शोरूम, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं यहाँ से और जो बात करनी है वो करके फिर चलते सीधा घर। धूप कितनी ज़्यादा हो रही है यार, गाड़ियाँ साफ नहीं करते, मज़ा सा नहीं आ रहा। न्यू वेन्यू ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हैंड रेस्ट पे थोड़ा सा बस ग्राफिक चेंज हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। पीछे से पूरी क्रेटा, आगे से थोड़ा सा चेंज किया गया है बट ऑलमोस्ट सेम है। स्पेस भी मेरे को मतलब i20 जितना लगा है, बस स्पेस में आगे तो कम है, आगे तो स्पेस ज़्यादा नहीं लगा मेरे को, लेकिन ये डी कट स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे स्पेस तो i20 से ऑलमोस्ट कम है, स्पेस में तो कम है ये i20 से, इतना बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अगर बाहर से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया i20 से। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो काम था वो हमारा तो हो चुका है, मतलब काम आधा बना आधा नहीं बना, लेकिन चलो कोई नहीं, काम तो हुआ एटलीस्ट। तो अब चलते हैं, तरुण को उसके घर छोड़ेंगे या फिर कहीं बाहर जाने देखते हैं, अभी तो धूप हो रही है, मेरे ख्याल से बाहर जाना बेकार ही है ना, अभी चलते हैं घर, आराम से करेंगे प्लान। हाँ यार ठंड वाली सही में, तो अभी चलते हैं सीधा घर यहाँ से, पहले तरुण के फिर मेरे। मैंने तरुण को उसे घर पर छोड़ दिया है और अब सीन कुछ ऐसा है कि हम चलते हैं सीधा यहाँ से घर। अभी मैंने जो वेन्यू देखी ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, मेरे को लगा था कि बहुत कुछ चेंज हुआ है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, मेरे को बिल्कुल सेम लगी जो पहले वाली वेन्यू थी उससे बिल्कुल ज़्यादा सेम है, हल्का फुल्का लाइट वगैरह चेंज हुई है, ज़्यादा कुछ खास फर्क समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पहले से बेटर हो गई है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि आप उसका 1 लाख रुपये प्राइस ज़्यादा बढ़ा दें।